वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आपने इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1, तो आप प्लीज़ एक बार लेक्चर 1 जरूर देखना। लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेक्चर 1 के अंदर मैंने बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कवर किया हुआ है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या क्या मैं इंक्लूड करने वाला हूं, मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे बच्चों, एक तो क्या, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में एक बात करेंगे बच्चों। दूसरी चीज क्या, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद मैं इसमें डिस्कशन करूंगा प्रोसेस, इसमें सारे प्रोसेस इंक्लूड कराऊंगा, ठीक। फिर इसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा हीट, फिर इंक्लूड करूंगा बच्चों यहां पर टेम्परेचर, ठीक। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्या हमारा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था आज के लेक्चर के अंदर मैं सबसे पहले डिस्कशन करूंगा किसके बारे में बच्चों, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डेफिनेशन है, जस्ट टर्मिनोलॉजी है ना, बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। क्या है ये कि मैक्रोस्कोपिक, बच्चों मैक्रो वर्ड लाइफ में कभी भी आ जाए तो ऐसी चीजें जिसमें ना खूब सारी क्वांटिटीज होती हैं, है ना, जिनके अंदर हमने काफी बल्क चीजों को स्टडी करते हैं, तो मैक्रोस्कोपिक क्या होती है, तो हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विच इंक्लूड्स, है ना, इंक्लूड्स क्या, बल्क ऑफ सिस्टम, बल्क ऑफ सिस्टम। अच्छा, ये क्या होता है बल्क ऑफ सिस्टम, बल्क माने जिसमें क्वांटिटी बहुत क्या होती है, ज्यादा, जैसे कि इसमें क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ एटम्स हो, बहुत सारे एटम्स हो, चाहे नंबर ऑफ क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, उन सब चीजों को स्टडी करते हो तो उसको क्या कहते हो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ही सबसे बेस्ट होता है, जैसे बच्चों प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो प्रेशर को हम डिस्कशन करते हैं, तो प्रेशर जो एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में एक ही एटम के द्वारा प्रेशर लगता है या बहुत सारे पार्टिकल मिलकर प्रेशर बनाते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल मिलकर प्रेशर बनाते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल मिल मिलकर क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारी प्रेशर, यानी कि मैक्रोस्कोपिक, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल इंक्लूड होते हैं, जैसे टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप देखोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक पार्टिकल से तो नहीं, बहुत सारी गैस मिल जाती है तब जाके किसी कंटेनर के अंदर एक्सपेंड करके वॉल्यूम को बनाती है, तो जिसमें तुम बहुत सारे पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और एक लाइन अंडर कर रहा हूं यहां पर, देखना हमारा, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये, कई बार जेई और नीट के एग्जाम में पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में, क्या कि थर्मोडायनेमिक्स, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ध्यान देना, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ओनली, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ओनली, प्रॉपर्टीज ओनली, इसमें केवल और केवल हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को ही एंटरटेन करते हैं, मतलब पढ़ते हैं उसके बारे में, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में ये बातें नहीं करती, ठीक है। जिसमें कि अब तुम कहोगे सर ये माइक्रोस्कोपिक किसे कहते हैं, तो मैं बता देता हूं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये इंडिविजुअल एटम पर होती है, तो प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स, विच इंक्लूड्स व्हाट, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिसमें आप क्या कर रहे हो कि इंडिविजुअल एटम लेके चल रहे हो, इंडिविजुअल, अकेला एटम, अकेला एटम, इसमें एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक ही एटम पड़ा हुआ है, एक ही एटम पड़ा हुआ है, जैसे ये देखो स्क्रीन के ऊपर, यहां देखो, यहां देखो, इसमें इस स्क्रीन में देखो, कंटेनर में क्या, एक ही एटम पड़ा हुआ है, तो जो ये एक एटम पड़ा हुआ है ना, एक एटम की स्टडी से जो एनर्जी आती है, जो भी चीज आती होगी, उसको कहेंगे हम लोग माइक्रोस्कोपी। अब इतने छोटे लेवल पर स्टडी करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हम ओवरऑल मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं। ये देखो, अब हटा के ये देखो, ये मैं, ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैस के पार्टिकल घूम रहे हैं, तो जब बहुत सारे गैस के पार्टिकल घूम रहे हैं इस वाले के अंदर, ये इंक्लूड होगी क्या, रही हमारी मैक्रोस्कोपी, और ये मैक्रोस्कोपी से बहुत सारे पार्टिकल घूम रहे हैं, वो इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जितने भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, वो इन्हीं सब चीजों से बनते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं बच्चों, जितने भी तुमने थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल पढ़े हैं, वो सब के सब कौन से प्रॉपर्टीज हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज,
ठीक है, यानी कि क्या, जैसे मैं तुम्हें बताया था ना पिछली क्लास के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर, बच्चों जरूर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके जरूर देखें ताकि आपके बेसिक टर्म सारे कंप्लीट हो जाए। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो थे हमारे पास, है ना, उसके अंदर मैंने क्या लिया था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, है कि नहीं, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा, ये सब के सब, है ना, ये सब के सब क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल सब के सब कौन होते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है। यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपने दिमाग में सिर्फ एक बात रख लेनी है, अगर हम किसी एक की बात करेंगे, सिंगल की बात करेंगे, तो माइक्रो, जो कि इस चैप्टर में यानी कि इस ब्रांच में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, हम सारी बात कैसे करेंगे, मैक्रो, जहां पर खूब सारे पार्टिकल्स होंगे। तो बल्क में पढ़ना, बल्क कंटेंट को पढ़ना, बल्क ऑफ द सिस्टम को पढ़ना क्या कहलाता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। गॉट इट, समझ में आई बात ये? तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को ही, मतलब ये प्रॉपर्टीज जो होती है हमारी क्या कहलाती है, हमारी क्या कहलाएंगे बच्चों, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया कि मैक्रोस्कोपिक किसे कहते हैं और माइक्रोस्कोपिक, है ना, वही चीजें हैं, बस अगर सिंगल एटम के ऊपर स्टडी करोगे तो माइक्रो हो जाएगा, और बहुत सारे पार्टिकल पे करोगे तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। और मैक्रो की पढ़ाई हमारी थर्मोडायनेमिक्स में होती है। सर ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है बच्चों आज के लिए, जिसका हमारा है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोलते हैं बच्चों, प्रोसेस। क्या बोलते हैं, प्रोसेस, बेसिक टर्म चल रहे ना बच्चों, प्रोसेस। तो क्या होता है बच्चों की, व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसको मैं एक तरीके से और डिफाइन कर सकता हूं, एक तरीके से कि एनी चेंज इन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इज कॉल्ड प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में चेंज आना, या कोई स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाए, मतलब एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा तो बदलेगा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, इन्हीं में तो कोई चेंज आएगा। तो जब तुम्हारा सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कहीं जा रहा है, चेंज कर रहा है अपने आप को, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। कैसे, जरा देखना एक बार, जैसे समझाता हूं मैं आपको। मान लो कि मैंने ग्राफ लिया, ये प्रेशर है और ये क्या है, वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम में मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ये लो, ये एक लाइन यहां पर खींच दी। ठीक, अब यहां पर क्या था, मान के चलो कि ये हमारे पास ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर इसको मिला दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो गया, वी वन और पी, ये क्या हो गया, वी टू और पी। तो यहां पर क्या वॉल्यूम चेंज कर गया, यहां से एक वॉल्यूम, पहले V1 वॉल्यूम था, यहां V2 वॉल्यूम था। तो क्या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो चेंज हुआ है, जो बच्चों हमारा थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है वो कौन है, V क्या हो गया, चेंज हो गया, V चेंज हो गया, इसका मतलब बच्चों ये प्रोसेस है, इसका मतलब ये प्रोसेस है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वॉल्यूम में, अगर मान लो कि मैं ये कहता आपसे, ऐसे मैं कहता प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक, ग्राफ को ऐसे स्ट्रेट बना दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर P1V हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, P2V हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर बदल गया तो प्रेशर बदल रहा है यहां पर। तो प्रेशर, यहां जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, टी वेरिएबल लिख दिया मैंने इसको, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, वो क्या बदल रहा है, तो प्रेशर बदल रहा है, तो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। समझ रहे आप ये चीज? तो किसी भी चीज में, किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में चेंज आना, किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में चेंज आना, एटलीस्ट वन में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वन में ही आए। जैसे मान लो प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये ग्राफ बनाया मैंने यहां से लेके यहां तक, है ना, इसको ऐसे ऐसे मिला दो, तो सर यहां पर क्या होगा, तो सर आपका यहां पर हो जाएगा V1 P1 और यहां क्या हो जाएगा, V2 P2, क्या दोनों में चेंज आ गया, यहां पर जो आपका थर्मोडायनेमिक है ना, डायनेमिकल वेरिएबल कौन कौन है बच्चों, यहां पर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन है, तो वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह भी एक प्रोसेस है। मतलब क्या, मतलब मेरा यह कहने का है कि अगर कम से कम एक चीज में, किसमें, एक चीज में, एक चीज मतलब एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में, इफ देयर इज एटलीस्ट वन चेंज इन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, इट मींस इट इज अ प्रोसेस, इट मींस अ सिस्टम इज चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसका मतलब एक सिस्टम हमारा
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। समझ में आ रही बात ये चीज? ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके से बच्चों प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारा सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, मतलब कोई भी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे भाई ये हमारा क्या था, प्रोसेस। तो अगर हम लोग देखें कि इसमें टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या क्या हो सकते, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझना, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्या चीज के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला मैं प्रोसेस लेके चल रहा हूं जिसको बोल रहा हूं बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस। प्रोसेस अब इसको कई लोग पढ़ लेते हैं आइसोचोरिक प्रोसेस, सी एच ओ आर आई सी, चोरिक भाई, चोरिक नहीं है, ठीक है ना। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो आप यहां पर आकर, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे ही है, चोरिक नहीं है, ये क्या है, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस है बच्चों, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, है ना, प्रोसेस इन विच क्या रहेगा बच्चों, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा, वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब डेल्टा वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी कितना हो जाएगा, जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, भाई चेंज इन वॉल्यूम जीरो, दोनों वॉल्यूम सेम ही रहेंगे इसके अंदर। अगर मैं इसको ग्राफ के जरिए दिखाऊं ऐसे प्रोसेस को, पी और वी है, तो क्या कांस्टेंट था, वी कांस्टेंट था। तो बच्चों ग्राफ अगर मैंने ऐसा बनाया, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाया ऐसे करके, ये ए से बी जा रहा है, तो तुम देखो जरा यहां पर, है ना, क्या हुआ होगा बच्चों, यहां पर आपका वॉल्यूम वी रहेगा और प्रेशर कितना हो जाएगा, पी1, ये कॉमा है। फिर यहां पर क्या, वॉल्यूम कितना होगा, वी, प्रेशर कितना हो जाएगा, पी2। तो क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा? yes. तो ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ कहलाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्यों? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो रहा है वॉल्यूम का, प्रेशर का चेंज हो रहा है, नॉट वॉल्यूम, प्रेशर का चेंज हो रहा है, वी कैसा रहा, कांस्टेंट। अगर वी कांस्टेंट हो गया तो अपना भी ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा, वो आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर मान लो कि मैं कहता हूं दूसरा, जिसको बोलते बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, तो क्या होगा इसमें, इन विच क्या रहेगा, पी कांस्टेंट, पी क्या रहेगा, कांस्टेंट, पी कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा पी कितना आएगा, जीरो, कि प्रेशर जो होगा आपका वो इक्वल टू क्या होगा, जीरो, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, जीरो। अगर मैं इसी को ग्राफ से दिखाऊं, जो भी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था मैंने यहां पर, पी वी ग्राफ था, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, तो यहां पर क्या हो गया, वी वॉल्यूम वी वन कॉमा पी, यहां वॉल्यूम वी टू कॉमा पी, तो क्या कांस्टेंट रहेगा यहां पर, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो आइसोबारिक प्रोसेस कहलाएगा। नंबर थ्री, जिसको बोलते हैं बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या होगा, इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर, है ना जी, टेम्परेचर को क्या रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। अब को तुम्हें याद होगा बच्चों एक बहुत अच्छी बात याद होगी तुम्हें, बॉयल्स लॉ तो याद ही होगा, है ना, तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाते थे पी और किसके बीच का, वी का, तो सबको याद होगा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और T कैसा रहता था, कांस्टेंट रहता था। इसके ग्राफ को हम लोग आइसोथर्म भी बोलते थे, वही ग्राफ बन जाएगा यहां पर, लो भाई बना दिया मैंने यहां पर, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर वॉल्यूम तुम्हारा कितना हो गया, वॉल्यूम यहां पर हो गया V1, प्रेशर कितना हो गया P1, यहां वॉल्यूम कितना हो गया V2 और प्रेशर कितना हो गया P2। तो ये ग्राफ किसका हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, ठीक। सिंपल सिंपल है बच्चों, बेसिक टर्म है ना ये, एक बार बच्चों को जरूरत पड़ती है इन सब टर्मिनोलॉजी की, जो पढ़ने वाले फर्स्ट लर्नर्स होते हैं उनको जरूरत पड़ती है, एक बार वो नोट बना लेते हैं, इसके बाद दिमाग में लॉक हो जाता है, एक बार सुनने वाली कहानी है, एक बार सुनने वाली कहानी है, ठीक है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट कहता हूं किसके बारे में बच्चों, हमारा जिसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, आइडिया की बेटी नहीं कई बार बोलते ना एडिया बेटी तो लगता है एडिया बेटी आइडिया की बेटी नहीं,
एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि इन विच हीट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, हीट इज कॉन्स्टेंट, हीट बच्चों कॉन्स्टेंट, ठीक। यानी कि इसमें वैसे तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई जो क्यू होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन क्यू भी जीरो के बराबर, चाहे डेल्टा क्यू वगैरह भी लेते हैं तो हम किसके बराबर लेते हैं, जीरो के बराबर लेते हैं। क्यू कॉन्स्टेंट भी रख सकते हो या जीरो रख सकते हो, चेंज हम हमेशा जीरो मानते हैं, कि हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, इसको कहेंगे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस। ग्राफ जो होता है इसका प्रेशर का और वॉल्यूम के बीच में, इससे थोड़ा सा स्टीपर आता है, ये लो स्टीप, देखिए थोड़ा इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा है, स्टीपर होता है ना, ये वही ग्राफ है, ये वही ग्राफ है, बट कैसा है, मोर स्टीपर देन क्या बोलो, आइसोथर्मल। इसके प्रूफ वगैरह में बच्चों बता दिया जाएगा आपको किस तरीके से आता है, स्टीप क्यों होता है ये, है ना, ये फिजिक्स की जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स होती है उसके अंदर खूब डिटेल में आता है, केमिस्ट्री में भी है थोड़ा सा है, पर ज्यादा फिजिक्स की, क्योंकि तुम्हें पता है थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी आएगी, केमिस्ट्री में आएगी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रखेंगे वो लोग, ठीक है ना। बट वैसे मैं बता दिया, अभी फिलहाल के लिए मान लो, थोड़ा समझ लो, जब टॉपिक्स वगैरह आएंगे तो हम ग्राफ देखेंगे। इसमें पीवी कॉन्स्टेंट होता है ना, तो इसमें पीवी ऐसे गामा कॉन्स्टेंट होता है, गामा जो होता है वो सीपी अपॉन सीवी होता है, ये सब समझाया जाएगा, अभी चिंता ना करो, वो सब कुछ को लूंगा। बट ठीक है, स्टीपर है, मोर स्टीपर, ज्यादा स्टीप आ जाए तो समझ जाना कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक, ठीक। और जो थोड़ा सा कम स्टीपर रहेगा वो कौन सा रहेगा, आइसोथर्मल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब जैसे कि मैं क्या करता हूं, ऐसे तो अभी प्रोसेस में भी और जा रहा हूं, 5, 6, 7, 8 भी जाएगा अभी, बट मैं इनको कंबाइन करता हूं जरा एक बार देखना, एक बार कि अगर मैं इस टाइप्स ऑफ प्रोसेस के अंदर बच्चों, मैं एक तुम्हारे लिए बताऊं जरा, तुम्हारे लिए ही है एक चीज, है ना। अब जैसे ये देखो, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये मैंने ग्राफ बनाया प्रेशर का, वॉल्यूम का, ठीक। मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं, एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं, एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं, और एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं, ठीक है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। पॉज करके, पॉज कर लो स्क्रीन को, और मुझे बताओ कि ये में से ग्राफ में से कौन कौन सा ग्राफ किस किस चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, तुम पॉज करके पहले लिख लो और फिर चेक करो कि तुम्हारा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, देखो करके एक बार, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। तो मैं फिलहाल बता दूं आपको कि जो ए है, देखो जरा ए, तो इस पे तो प्रेशर कांस्टेंट चल रहा है, वॉल्यूम तो लगातार चेंज, देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पर प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो ये कौन हुआ, आइसोबारिक, यानी डेल्टा पी कितना रहेगा, जीरो, या पी कांस्टेंट। ये वाला ग्राफ होगा बच्चों आइसोथर्मल, जिसमें डेल्टा टी क्या रहेगा, जीरो, यानी टी कांस्टेंट, थोड़ा कम स्टीपर है। ज्यादा स्टीपर वाला क्या रहेगा बताओ, एडियाबेटिक, और इसमें डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, हीट का चेंज कितना रहता है, जीरो। और ये वाला जो है यहां पर देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको कहेंगे हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें डेल्टा वी कितना होगा, जीरो होगा। तो चारों ग्राफ को, ए मतलब चारों प्रोसेसेस को एक ग्राफ में क्लब कर दिया, जोड़ दिया, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में आ सकता है ना, विच प्रोसेस रिप्रेजेंट विच ग्राफ, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, चौथा प्रोसेस, चार प्रोसेस थे, चारों प्रोसेस को मैंने एक ग्राफ के जरिए क्या कर दिया है बच्चों, क्लब कर दिया, और तुमने उसको देखा। पांचवा प्रोसेस देखो, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, साइक्लिक प्रोसेस या साइकिल, है ना, ये पॉइंट हम लोग साइकिल को देख लेते हैं। तो साइकिल में क्या होता है, जैसे कि जिसको हम लोग ने बोला साइक्लिक प्रोसेस, क्या बोला, साइक्लिक प्रोसेस, ये क्या होगा कि सच अ प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, जिसमें पहला और आखिरी, यानी शुरुआत वाला और आखिरी वाला स्टेट कैसा हो, सेम हो, वही तो साइक्लिक प्रोसेस होगा, साइकिल वाला, इसी के टर्म में आ रहा है साइक्लिक प्रोसेस में। तो कैसे, जरा देखो, मान लो कि मैंने ग्राफ बनाया, जैसे पी वर्सेस किसका है, वी का है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया मैंने, ये देखो, अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया है तो जरा देखो, ए बी सी ऐसे पॉइंट बना दिया मैंने, तो तुम देख रहे हो कि ए से बी गए, बी से सी गए, सी से वापस ए आ गए। तो जो ये वाला जो पॉइंट हमारा दिख रहा है आपको, शुरुआत वाला और फाइनल वाला भी यही है, तो शुरुआत और फाइनल एक जैसा है, इसलिए इसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं,
साइकिल के अंदर आ गया, साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, इसी में हमारा एक होता है जिसको ओपन साइकिल, ओपन साइकिल, या इसको ओपन साइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, हम बोलेंगे कि व्हेन इनिशियल एंड फाइनल फाइनल स्टेट्स आर डिफरेंट। जब क्या हो, हमारे इनिशियल और फाइनल कैसा हो, डिफरेंट हो। जैसे कि क्या, ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम, और मैंने ऐसे बना दिया ग्राफ, देखो। तो ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट और ये रहा मेरा फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल कैसे है, डिफरेंट है। तो अगर दोनों डिफरेंट हुए तो ओपन साइकिल या ओपन साइक्लिक प्रोसेस बोल देते हैं। दोनों बातें है ना, साइकिल के अंदर ही आ गई दोनों। ओपन साइकिल एक तो साइक्लिक हो गया, इसमें कि इनिशियल और फाइनल स्टेट तुम्हारा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। एक ओपन साइकिल में कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, है ना, सिंपल, इसको ओपन बोल देते हैं हम लोग। तो प्रोसेस के अंदर ही आ गया हमारे पास, साइक्लिक प्रोसेस में आ जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूं मुझे यहां से, है ना, इधर से मिटा देता हूं। और देखो जरा, ये फिफ्थ पॉइंट था हमारा, सिक्स्थ पॉइंट देखो, सिक्स्थ पॉइंट। इसमें बोलते हैं बच्चों, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना एक बार। रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि सच अ प्रोसेस, ये थोड़ा ध्यान समझना, सच अ प्रोसेस प्रोसेस इन विच ईच स्टेप्स आर इन इक्विलिब्रियम। पहली बात तो हर एक स्टेप कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं, दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं, जो आपका सिस्टम हो स्टैटिक रहेगा। अभी मैं इसका एग्जांपल लेके समझाऊंगा, पहले मैं पॉइंट लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट, इट कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स। भाई इसको कंप्लीट करने में इनफाइनाइट स्टेप लग जाएंगे, इनफाइनाइट स्टेप लग जाएंगे। अच्छा, तो कंप्लीट्स इन टाइम कितना लगेगा, सर वो भी लग जाएगा इनफाइनाइट। हां, कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट टाइम, टाइम भी कैसे लगेगा, इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं बताऊंगा अभी कैसे। उसके बाद क्या है, वैलिड फॉर आइडियल गैस। गैस भी कैसी होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। अच्छा, इसको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइटेसिमल या टेसिमली स्लो। इनफाइनाइटेसिमली स्लो मतलब इसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब बोलो सर ये क्या है, कुछ नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब वेरी वेरी स्लो, बहुत धीमा धीमा, क्वासी स्टैटिक है, बहुत धीमा धीमा, और हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम में रहता है, हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम में रहता है। अच्छा, प्रेशर कैसा रहेगा, प्रेशर रिमेन्स वेरिएबल। एक तरीके से डिफरेंस बना दूंगा मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। प्रेशर कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा। प्रेशर हमेशा कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा। कैसे, समझो, समझाता हूं। एक मान लो कंटेनर है बच्चों, और इस कंटेनर के ऊपर मैंने एक ये पिस्टन लगा रखा है, इसमें मैंने गैस को फिल कर दिया, ऐसे गैस को फिल कर दिया, तो गैस प्रेशर कहां लगाएगी, ऊपर की ओर। और हम लोग मान लो बाहर से प्रेशर लगा रहे, जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो पी एक्सटर्नल हो गया, बाहर से एक्सटर्नल, यहां से पी क्या लगा रही है, गैस, गैस जो है वो प्रेशर लगा रही है, गैस ऊपर लगा रही है, एक्सटर्नल जो प्रेशर एक्सटर्नल एटमोसफियर है, या हम लगा सकते हैं कोई भी, बाहर से कहां लगा रही है, इधर लगा रही है। तो मैं कहता हूं कि इनिशियली ये अभी किस पर है, रेस्ट पर है। इनिशियली किस पर है बच्चों, ये इनिशियली एट रेस्ट, ठीक। अगर ये इनिशियली एट रेस्ट है मतलब कि किस में है, ये इक्विलिब्रियम में, अभी ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये दोनों फोर्स बराबर है, ये दोनों बराबर है। लेकिन मुझे इसको बहुत हौले हौले, बहुत स्लो स्लो, आइडियल प्रोसेस है ये। कौन सा प्रोसेस, आइडियल प्रोसेस। तो मैं इसके ऊपर एक सैंड पार्टिकल ड्रॉप करता हूं, एक सैंड पार्टिकल। सैंड पार्टिकल कैसा होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत ही हल्का। तो जैसे ही तुम क्या करोगे, एक सैंड पार्टिकल गिराओगे, जैसे एक दस का एक पार्टिकल गिराऊंगा, यहां से गैस का पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा, हल्का थोड़ा सा नीचे आएगा, गैस फिर इसको क्या करेगी, अपलिफ्ट करेगी, फिर इक्विलिब्रियम में ले आएगी। एक डस्ट का पार्टिकल, बहुत ही कम, समझ रहे हो, एक डस्ट का पार्टिकल। यानी कि तुम कह रहे हो बाहर से प्रेशर इंक्रीज किया है ना, तो तुमने क्या किया कि हर स्टेप में, ईच स्टेप में हम लोग क्या करें, इंक्रीजिंग क्या चीज, प्रेशर। कितना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो भाई, डीपी, बाहर से जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डीपी,
और डीपी किसके टेंडिंग होगा? जीरो के। डीपी टेंडिंग किसके होगा? जीरो के। अगर थोड़ा प्रेशर बढ़ाया होगा तो पी एक्सटर्नल प्लस का बाहर से थोड़ा सा प्रेशर तो बढ़ा ही दिया होगा, लेकिन डीपी टेंड कर रहा है किसको? डीपी टेंड कर रहा है किसको? जीरो को, बहुत ही नाप के बराबर। फिर तुमने इस प्रोसेस को क्या करना शुरू किया, इस पर डस्ट गिराना शुरू किया धीरे 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 धीरे, इस पर डस्ट बढ़ाने लगे थोड़ा थोड़ा करके, हर एक स्टेप में डस्ट बढ़ा रहे हो, है ना। इसके ऊपर क्या गिरा रहे हो? डस्ट पार्टिकल, डस्ट सैंड वैंड डस्ट गिरा रहे हो उसके ऊपर, गिराते 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 हर स्टेप में धीरे धीरे गिरा रहे हो, 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 गिरा रहे हो। तो गिराते गिराते मान लो इस पिस्टन को तुम, ये तुम्हारा ये इनिशियल लेवल था, तुम फाइनली इसको यहां पे ले आए, फाइनली इसको यहां से खींच के यहां पे ले आए, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, फाइनल फाइनल पॉइंट है ना, यहां से खिसका के यहां तक ले आए। तो इस तरह से प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन करते हुए मुझे बताओ, यहां से जब यहां तक लेकर आऊंगा धीरे धीरे एक एक डस्ट पार्टिकल डालते हुए, तो अब ये पॉइंट देखना तुम्हारे को वैलिड लगते कि नहीं लगते। इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। देखो कैसे कि सच अ प्रोसेस इन विच ईच स्टेप आर इन इक्विलिब्रियम। क्या हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम में होगा? हाँ, एक डस्ट का पार्टिकल गिरा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ा सा दबेगा, फिर गैस उसको होल्ड कर लेगी, फिर एक पार्टिकल गिराऊंगा थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर उसको पकड़, उसको होल्ड पे ले आएगी। तो हर एक स्टेप लेयर बाय लेयर, है ना, हर चीज किस पे रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। कितना टाइम लग जाएगा भाई इसको इस तरह दबाने में? एक एक डस्ट पार्टिकल गिराओगे तो भाई इनफाइनाइट टाइम लगेगा, कुछ पता नहीं है, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे। और ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है, सारे लॉ वगैरह जो होते हैं आइडियल होना चाहिए। इनफाइनाइट ये लिखा है मैंने, इनफाइनाइटेसिमली स्लो, जिसको क्वासिस्टेटिक प्रोसेस बोलते हैं, बहुत स्लो है ये प्रोसेस। हमेशा जो यहां पर प्रेशर रहेगा, जो बाहर से तुम लगा रहे हो, वेरिएबल होगा, हर स्टेप में प्रेशर बढ़ रहा है। पहले तुमने एक पार्टिकल गिराया तो कुछ प्रेशर आया, दूसरी बारी में एक और पार्टिकल आया, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा पहले से, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, प्रेशर बढ़ता जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर कैसा रहेगा? वेरिएबल। तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब इसी का जस्ट ऑपोजिट देखो, इसी का जस्ट क्या देखोगे? ऑपोजिट देखो, मैं इसको रब करता हूं, है ना, सेवंथ पॉइंट पे आते हैं। इसी का कुछ अपोजिट देखो, है ना, इसका जो अपोजिट है वो क्या है वो भी देखेंगे आप, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस ये क्या है बच्चों? पहले मैं पॉइंट लिखूंगा फिर समझाऊंगा आपको, इसका उल्टा ही होगा जैसे कि। तो हम लोग क्या कहते हैं कि व्हेन सडन, है ना, सडन प्रेशर इज अप्लाइड टू मूव पिस्टन, है ना, मतलब पिस्टन को मूव कराने के लिए तुम सडन प्रेशर लगा दोगे, एकदम में एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगा दोगे। दूसरा, इट कंप्लीट्स इन फाइनाइट स्टेप। फाइनाइट मतलब गिन लोगे जितने स्टेप में तुम्हें करना है। तो इट कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। टाइम भी कैसा हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा भाई। टाइम भी कैसा हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम, टाइम भी एकदम फाइनाइट होगा। उसके बाद जो तुम बाहर से लगा रहे हो, है ना, तो ये कैसा है? ए रैपिड प्रोसेस है, है ना, रैपिडली, है ना, इट इज अ रैपिड प्रोसेस। प्रोसेस एकदम रैपिड होगा, जल्दी से करा देंगे। अच्छा सर, जैसे वो हमारा क्या था, बहुत स्लो था, ये एकदम फास्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेप्स आर ओनली इन इक्विलिब्रियम। पहला और आखिरी स्टेप इक्विलिब्रियम में होगा, बाकी स्टेप इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। अच्छा, इसमें प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा प्रेशर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी के साथ चीज समझ में आएंगी। जैसे कि मान लो बच्चों, ये पिस्टन है, इसके अंदर मैंने क्या फिल कर दिया? गैस को फिल कर दिया। तो गैस प्रेशर कहां लगाएगी? ऊपर। गैस प्रेशर कहां लगाएगी? ऊपर। और ऊपर की तरफ से मान लो हमने क्या कह दिया कि एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। मैंने इस प्रोसेस को सडनली कराना है, रैपिड में कराना है, जल्दी में कराना है, एकदम में दबा देना है इसको। तो एकदम में दबाने के लिए मैंने बाहर से कोई मास रख दिया ताकि प्रेशर एकदम में आ जाए। तो जब मैं एकदम से दबाऊंगा तो गैस ऐसे दबती हुई जाएगी सडनली, और मान लो यहां पर आके क्या हो गई? रुक गई। तो मान लेते बच्चों कि ये हमारा क्या है? इनिशियल पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट है। तो शुरुआत में ये रुकी हुई थी, फाइनल में जाके रुक जाएगी। तो बताओ कि इक्विलिब्रियम कौन कौन से स्टेप पर होगा?
तो भाई इक्विलिब्रियम आएगा एक इनिशियल पे और एक किस पर आएगा, फाइनल स्टेप पर आएगा, है ना। यानी दो जगह पर, है ना, दो जगह पे बच्चों, है ना, आप कह सकते हो कि एक इनिशियल एंड क्या बोलो, फाइनल, फाइनल स्टेप पे। तो दो जगह पर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, जबकि उसमें कैसा था, हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम था, हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम था, लेकिन ये इसमें दो स्टेप, पहले और आखिरी में आएगा। सडनली दबाओगे तो गैस ऐसे दबती चली जाएगी। जहां पर पी एक्सटर्नल का और पी गैस का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो इसमें क्या आता है, लार्ज डिफरेंस आता है। तो ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से ही क्या होता है कि गैस को हम लोग क्या कर देते हैं, सडनली प्रेस कर देते हैं। तो अगर कुछ ऐसा वर्क हो रहा है, और प्रैक्टिकली यही पॉसिबल होता है, जो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इनफिनिट स्टेप में नहीं कराना, वो आइडियल प्रोसेस है, उससे फॉर्मूला वगैरह सब चीजें कर लेते हैं हम लोग, बट वो पॉसिबल प्रैक्टिकली तो नहीं है। तो इसीलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस ही हमारे ज्यादातर लाइफ में मिलते हैं, ठीक है, पर हम लोग सारे फॉर्मूले काम किस पे करते हैं, वो आइडियल पे करते हैं। तो प्रोसेस क्या हो गया, एक रिवर्सिबल और एक क्या हो गया, इरिवर्सिबल, दोनों के बीच में एक तरीके का आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया है। तो ये टाइप्स ऑफ क्या हो गया हमारा, प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के कितने टाइप होते हैं, ये भी हमारा अच्छे से क्या हो गया है, कवर हो गया है। अब मैं इसके अंदर इंक्लूड करता हूं, इसमें मैं इंक्लूड करता हूं क्या चीज, जैसे तुमने ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या उठा लिए हैं, प्रोसेस उठा लिए। तो प्रोसेस उठाने के बाद बच्चों इसमें नंबर आता है हमारा किस चीज का, हीट का नंबर आता है, किसका आता है, हीट का। तो जरा समझना हीट क्या होती है, हीट को हम लोग सिंबलाइज करके किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। जो हीट है, ये हीट क्या चीज है, तो हम बोलते हैं क्या, ध्यान देना बहुत सारे डेफिनेशन से, इनमें से क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर है ना, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। मतलब हीट ना टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो ट्रांसफर होता है, टेम्परेचर एक जगह टेम्परेचर कम है, एक जगह टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी फ्लो होती है उसको हीट कहते हैं। लेकिन ना हीट और वर्क में थोड़ा कंफ्यूजन आता है बच्चा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कभी भी एनर्जी ट्रांसफर हुई तब वो क्या कहलाएगी, हीट। लेकिन इसके अलावा कोई सा भी केस आ गया तो वर्क हो जाएगा। भाई वर्क में भी तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी खर्च होता है, एनर्जी के ही सब कुछ होता है। तो वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी चल रही है, फ्लो कर रही है, एनर्जी इधर से उधर जा रही है, तब वो हीट कहलाएगी, अदरवाइज वर्क कहलाएगी। अदरवाइज क्या कहलाएगी, वर्क कहलाएगी। तो एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। एग्जाम्पल, जैसे मान लो भाई, ऐसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक है, मान लेते हैं कि भाई ये T1 डिग्री पर है, T1 डिग्री सेल्सियस पर है, इसी के ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया, ये T2 पर है। मैंने कहा कि T1 ज्यादा है किससे भाई, T2 से, टेम्परेचर है, तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगी बताओ। तो T1 ज्यादा है, T2 कम है, तो हीट यहां से यहां फ्लो कर जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी। तो अगर यहां से यहां चली गई तो उसको तुम क्या कहोगे, कहोगे सर ये हीट गई है, क्या गई है, हीट, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो ये मैंने कह दिया केस नंबर 1 कह दिया, केस नंबर 2 देखो भाई, ऐसा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, भाई ये अभी भी T1 पर है, ये T2 पर है। अब मैं कहता हूं T1 कम है T2 से, तो हीट कहां फ्लो करेगी बताओ, हीट कहां फ्लो करेगी, तो T2 से T1, यानी हीट यहां से यहां फ्लो कर जाएगी, इस बॉडी से इस बॉडी में फ्लो कर जाएगी। अगर मैं कहता हूं केस नंबर थ्री कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इसके ऊपर एक और रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, इसका टेम्परेचर है हमारा T, इसका टेम्परेचर भी T, यानी कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है, जीरो का, तो क्या हीट फ्लो होगी, नहीं होगी। तो Q इक्वल टू कितना, जीरो, नो हीट विल फ्लो, हीट विल फ्लो। तो हीट फ्लो ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हीट की बात करते हैं हम लोग, जब भी हीट की बात करते हैं तो वो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक ना, जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उसको क्या कहोगे, हीट कहोगे। अच्छा, सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है, अगर मैं बताऊं आपको, जरा देखना इसको, तो मैं रब करता हूं, ये डेफिनेशन देता हूं थोड़ा सा कंपेयर कराने के लिए। आप ऐसे समझो,
ऐसा समझो। इसकी एक डेफिनेशन और भी है, क्या है, हम बोलते हैं क्या, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, विच एग्जिस्ट इन, ठीक है ना, ट्रांजिएंट फॉर्म ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि भाई अगर तुम ट्रांजिएंट मतलब कि मोशन में रहता है, फ्लो में रहता है, तब जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट फ्लो नहीं होती, तब तक हीट फ्लो नहीं होती। अच्छा, कई जगह पे ये देखोगे आप तो लिखा रहेगा सेंसेशन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे लिखेगा, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ वार्मथ। तो यार ये सब बेसिक डेफिनेशन है, बट सबसे बेस्ट डेफिनेशन आप ये या ये कह सकते, समझ में आ रही बात। तो हीट के लिए ध्यान रखना कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो हम लोग बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट। ये एनर्जी की ना कार है, हीट है ना, हीट इज द कार ऑफ एनर्जी। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट, एनर्जी को यहां से वहां जाना है तो हीट नाम की गाड़ी से निकलती है, हीट के नाम की गाड़ी से निकल के चली जाती है। आई बात समझ में? तो यहां पर ध्यान रखिए ना कि हीट का मतलब यही है। अच्छा, अगर मैं हीट के बारे में और डिस्कशन करना चाह रहा हूं बच्चों, क्योंकि हीट का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझो जरा एक बार हीट के बारे में क्या है। कि अगर मैं हीट बोल रहा था तो हीट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि इट इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी का ना ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, ऑर्डर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब कि पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, वर्क एक ऑर्डर्ड फॉर्म है। पर ये कैसे डिसऑर्डर है? जैसे मान लो कि अगर इस रूम के अंदर बहुत सारी गैस है और यहीं पर आकर मैं स्टोव जलाऊं, लाइटर जलाऊं और गैस को गर्म करूं, तो जो मैं हीट दूंगा वो रूम के अंदर हर एक पार्टिकल को एक जैसी एनर्जी मिलेगी कि अलग अलग डिफरेंट मिल सकती है? तो डिफरेंट मिलेगी, सही है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो होती है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है? डिसऑर्डर। तो पहली बात तो क्या है, हीट जो है एक प्रकार की डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, एक और पॉइंट कि इट एग्जिस्ट इन ट्रांजिएंट फॉर्म, है ना, ट्रांजिएंट फॉर्म। तो हमारे एक जूल और कैलोरी में जो रिलेशन होता है बच्चों की, 1 calorie = 4.184, ठीक है, जूल के बराबर होता है। तो कई बार कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप इसको इसमें से जाके कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए था। इसको अब लोग हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। समझने के बाद हीट किसे कहते हैं? अब हीट को डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस के जरिए समझाया जाता है कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब हीट ट्रांसफर होगा। याद कर लो भाई, लॉक कर लो, जब हिंदी में लिखूं अपनी मातृभाषा में, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हीट है ना ट्रांसफर होगा है ना। वरना क्या होगा, इसे वर्क कहा जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब हीट कहेंगे, अदरवाइज अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है किसी और तरीके से हो रहा है तो फिर वो वर्क कहलाएगा, फिर वो क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक। तो इसमें जो है हमारे पास ये हीट है। हीट के लिए अगर टेम्परेचर डिफरेंस के जरिए हम समझने की कोशिश करें इसको, तो हीट को ना तीन कैटेगरी में बांट देना, मैंने हीट को समझाने के लिए। एक होता है बच्चों जिसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, इसी के साइड में डिफरेंस टाइप का मैं बता देता हूं। एक होता है जिसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तीन पॉइंट्स हैं। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है कि हम बोलते हैं क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 degree Celsius temperature ऑफ एनी सब्सटेंस
इसमें ये नहीं बताया गया है, इस वाले डेफिनेशन में ये नहीं बताया गया है कि कितना अमाउंट लेना है, अमाउंट इज नॉट डिसाइडेड। जहां पर हम लोग कहते हैं इस जगह पे कि जो हमारा हीट होता है, जो हीट यानी कि क्यू कह रहा हूं मैं यहां पर हीट, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हीट कैपेसिटी के लिए सी लगा देते हैं और यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। जहां पर ये क्यू क्या चीज है, सर वही हीट है। ये क्या चीज है, तो सर ये टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट तो आएगा ही आएगा। और ये क्या चीज है, इसी को कहते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू अपॉन में डेल्टा टी, और यूनिट क्या होगी, जूल। अगर इसको सेल्सियस में रखोगे तो पर डिग्री सेल्सियस, अगर तुम इसको केल्विन में रखना चाहोगे तो जूल पर केल्विन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है केल्विन रखो या सेल्सियस में रखो। ये चीज तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, देखना जरा, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। जब तुम्हारे पास एक मोल का सब्सटेंस होगा, तो इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, इसमें तो अमाउंट डिसाइडेड ही नहीं है, लेकिन टेम्परेचर तो एक डिग्री ही बढ़ाना है, लेकिन इसमें अमाउंट डिसाइडेड है, कितना है, एक मोल डिसाइड कर दिया, तो एक मोल कर दिया, तो दैट इज क्या, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जितनी ज्यादा गैस उतनी ज्यादा हीट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी, ये बात भी समझ में आ रही है सर। तो अगर मैं इसको मिला दूं, मिक्स कर दूं, तो क्या आ जाएगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी, और इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दूं तो यहां लगा था सी एम, एम क्यू लगा रहा हूं मोलर हीट कैपेसिटी, और यहां पर क्या हो जाएगा एन डेल्टा टी, जहां पर वही दोबारा से ये क्या है, हीट है, ये क्या है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस है, ये क्या चीज है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, और ये क्या चीज है, इसको बोलेंगे बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी। अब इसके लिए अगर मैं क्यू सीएम की वैल्यू निकाल दूं, कितना आएगा, क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी, और इसकी यूनिट के अगले अगर बात करोगे यूनिट, तो यूनिट क्या होगी, अगर देखोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, जूल है ना, क्या होगी, जूल पर मोल और पर केल्विन भी ले सकता है, और क्या, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, इट डिपेंड्स कि तुमने किसमें यूज करना चाहे, सेल्सियस में कि केल्विन में। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, हीट कैपेसिटी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना, जस्ट लुक एट हियर, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं यहां पर, स्पेसिफिक हीट की, जैसे मैंने इसको सी से दिखा दिया, इसको ऐसे सी एम से दिखा दिया, यहां पर स्पेसिफिक हीट को एस से दिखाते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है कि अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree Celsius temperature of 1 gram of substance। तो देख रहे हो, उसमें मोल को लिया गया है, इसमें किसको लिया गया है, मास को लिया गया है, उसमें मोल को, इसमें मास को, तो क्या होगा, Q directly proportional to m, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट करना पड़ेगा आपको एक डिग्री बढ़ाने के लिए। Q directly proportional to डेल्टा T, दोनों को मिला दो, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो यहां ऐसा जाता है एम डेल्टा टी, जहां पर एस की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। बच्चों जहां पर इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हीट है, ये मास है, टेम्परेचर है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, जूल, इसके लिए पर ग्राम और पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर ग्राम पर केल्विन, समझ रहे हो। तो ये क्या है, हीट कैपेसिटी का मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशंस बना दी हम लोगों ने कि कैसे कैसे बनाई है। तो हीट क्या है, आपको पता ही है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो होती है उसको हीट कहते हैं। हीट कैपेसिटी कितने टाइप की होती है, मतलब हीट की रिगार्डिंग, हीट कैपेसिटी क्या हो गया हमारा, क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू ये हमारा सी एम एन डेल्टा टी, और ये क्यू इक्वल टू एस एम डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी के लिए तुमने तीन चीजें देख ली, मतलब क्या फॉर्मूला क्या निकला बच्चों हीट के लिए, तो एक हो गया सी डेल्टा टी, एक क्या हो गया एन सी एम डेल्टा टी, एक क्या हो गया एम एस डेल्टा टी, समझ गए। तो ये किसके लिए था बच्चों, हीट कैपेसिटी के लिए, किसके लिए, हीट कैपेसिटी के लिए,
ये किसके लिए, ये किसके लिए, तो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए। ये किसके लिए, तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। इसमें मैं कुछ और चीजें भी ऐड करना चाहता हूं, जरा वो देखना बड़ा ध्यान से, कुछ चीजों को ध्यान से समझना। कैसे, जैसे कि मान लो कि मैं हीट कैपेसिटी निकाल लूं क्यू, जो कि सी डेल्टा टी लिखा है मैंने यहां पर, लिखा है हाँ सर लिखा हुआ है। तो ये जो है ना ऐसा है कि जो सी की वैल्यू होती है, हो सकती है कि सी वी लिखा हुआ हो और कहीं पर क्या लिखा हुआ, सीपी लिखा हुआ। तो सी वी जब भी लिखा है तो समझ जाना कि एट कॉन्स्टेंट किस पे लिया गया होगा, वॉल्यूम पर, और सीपी लिखा आ जाए तो क्या होगा, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। तो कई बार सी की जगह पर सीपी सीवी भी लिखा रहता है। ऐसे ही हमारे पास ये वाला है, ये जो सी एम लिखा है मैंने यहां पर, ये जो सी एम है ये भी ऐसे लिखते सी एम कॉमा वी लिख देते हैं हम लोग। तो क्या हो गया बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और अगर मैंने सी एम कॉमा लिख के ऐसे पी लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और ऐसे ही हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, एस को लिख सकते हैं। एस भी दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है एस वी और एक क्या हो सकता है एस पी। एस वी का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कि प्रेशर कॉन्स्टेंट हो तब। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो जो हीट कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी, ये एक कौन सी प्रॉपर्टी है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये डिपेंड करती है अलग अलग मास पे, क्योंकि मास डिफाइंड तो है नहीं, तो कम मास के लिए क्या होगा, इसमें कम मास के लिए हीट कम लगेगी, ज्यादा मास के लिए हीट ज्यादा लगेगी। इसमें तो डिसाइड हो गया ना कि एक मोल का ही देखना है, एक मोल के लिए ही है, और ये एक ग्राम के लिए ही है, एक ग्राम के लिए। इसलिए दोनों कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी मास के चेंज करने से, शेप और साइज को चेंज करने से, बट ये चेंज हो जाएगी, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी के साथ जुड़ी हुई बातें ये आपको मैं हर डिटेल में बता रहा हूं बच्चों, हर पॉइंट को मैं क्लियर करके डिटेल में समझाता चल रहा हूं, ताकि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो, अच्छे नोट बनाओ है ना, ताकि आप उसको पढ़ो तो कभी कुछ समझ में आए कि भाई हाँ सर, सर ने सारी की सारी चीजें हमको तो लिखवा दी है, हमने ना कोई भी चीज छोड़ा नहीं है, ताकि एकदम बेटर नोट तुम्हारे सामने बनकर तैयार हो जाए। ठीक है सर, अच्छा ये बताओ मुझे यहां पर, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चल रहा हूं यहां पर, तो एक चीज समझना, क्या समझना, अगर मैं कहता हूं कि आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस, अगर मान लो आइसोबारिक प्रोसेस है तो पी क्या रहता है सर, कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, पी कांस्टेंट। अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो तुम मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर लेता हूं हीट कैपेसिटी, ठीक, फिर मैं यहां लेता हूं बच्चों क्या चीज, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक, फिर मैं यहां लेके चलता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये ले रहा हूं, तो तुम मुझे बताओ आइसोबारिक में पी कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, ये होगा क्यू इक्वल टू सीपी डेल्टा टी, बिल्कुल सर, इसका क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू एन सी एन एम लिख के पी है ना डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू एस पी डेल्टा टी, एस एम डेल्टा एस पी डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो आइसोबारिक प्रोसेस है अगर तुम्हारे पास, है ना, प्रोसेस अगर तुम्हारे पास आइसोबारिक है, क्या है, आइसोबारिक, तो फॉर्मूला ही आएगा। अच्छा सर, अच्छा ये बताओ कि अगर मेरे पास दूसरा, अगर आइसोकोरिक है तो, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो V कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, V, तो Q क्या आएगा बोलो, तो आ जाएगा सी वी डेल्टा टी सर, यस, Q इक्वल टू एन सी एम वी डेल्टा टी, बिल्कुल सर, यहां पर Q इक्वल टू एस वी एम डेल्टा टी। तो आइसोकोरिक में ये प्रोसेस चलेगा, आइसोबारिक में ये वाला प्रोसेस चलेगा, बिल्कुल सही। अच्छा अगर मैं तीसरा पॉइंट कह दूं कि मान लो आइसोथर्मल है तो, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर आप चल रहे हो, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर आप चल रहे हो तो आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा टी कांस्टेंट तो क्यू कितना हो जाएगा, जीरो, देख लो डेल्टा टी, टी कांस्टेंट तो डेल्टा टी जीरो हो गया, तो
तो डेल्टा टी जीरो हो गया तो जीरो हो गया, ये वाली वैल्यू फिर जीरो, ये वाली वैल्यू फिर जीरो, खत्म, ये जीरो हो जाएगी। अच्छा अगर मैं कहता हूं क्या है कि मेरे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक, अच्छा क्यू जीरो हो जाएगा ध्यान देना, लेकिन अगर मैं बोलूं क्यू तो जीरो हो गया लेकिन साथ साथ मैं ये बोलूं कि भाई ये बताओ कि मोलर हीट कैपेसिटी यानी सिर्फ हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में डेल्टा टी, और डेल्टा टी जो होगा डेल्टा टी जीरो हो गया तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहां पर भी सी एम जो आएगा आपका कैसा आएगा, इनफाइनाइट आएगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। क्यू जीरो, डेल्टा टी जीरो होने के बाद इनफाइनाइट, कैसा आ गया, इनफाइनाइट। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें क्यू जीरो होता है, क्यू इक्वल टू कितना जीरो, अच्छा क्यू जीरो है ना, क्यू जीरो, तो अगर मैं क्यू जीरो लेके चल रहा हूं इस वाले में हीट कैपेसिटी के अंदर, तो बताओ सी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। यहां पर सी एम की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, और यहां पर बताओ एस की वैल्यू कितनी आएगी, वो भी जीरो ही आएगी। समझ में आ रही बात है चीज? तो अगर मैं बोलूं रेंज की बात कर लूं, रेंज है ना किसी भी कैपेसिटी की, तो अगर हीट कैपेसिटी देख रहे हो तो तुम्हारा जीरो हो सकता है, जीरो से तुम कहां तक जा सकते हो, इनफाइनाइट तक जा सकते हो, इनफाइनाइट तक जा सकते हो हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। बात तो समझ में आ गई। तो प्रोसेस के लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बना लो कि किस चीज क्या रखेंगे तो क्या चीज जीरो होगी, किस चीज को जीरो करेंगे तो क्या होगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया, हीट के बारे में, किसके बारे में आ गया, हीट के बारे में। तो भाई अब इसके अंदर आखिरी चीज हम ऐड कर रहे हैं जिसको बोलेंगे बच्चों क्या चीज, टेम्परेचर। ठीक, अब टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर की डेफिनेशन में हम बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कोई भी चीज कितनी ठंडी है उसकी जो मेजरमेंट होती है बच्चों उसको टेम्परेचर कहते हैं। सिंपल सा है, सिंपल फंडा है, कोई भी चीज कितनी गर्म या कोई भी चीज कितनी ठंडी उसकी जो मेजरमेंट होती है उसको टेम्परेचर कहते हैं। अगर मैं बोलूं तो स्केल जो होते हैं, इसके स्केल है ना, स्केल की बात कर लेते हैं हम लोग, जिसको थर्मोमीटर कहते हैं बच्चों, थर्मोमीटर जिससे तुम मेजरमेंट करते हो, टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हो। तो जो फेमस तीन अपने पास है वो कौन सा है, एक तो तुम्हें याद होगा बच्चों सेल्सियस होता है, दूसरा कौन होता है हमारा केल्विन हो गया, केल्विन, तीसरा कौन हो गया तो फारेनहाइट हो गया, क्या नाम है, फारेनहाइट। तो मतलब क्या है, हमारे पास तीन तरह की फेमस हमारे स्केल्स हैं, थर्मोमीटर्स कहते हैं इसको। अब ये तीन थर्मोमीटर होते हैं, इसके रिगार्डिंग अगर मैं यहां पर एक फटाफट एक चीज बनाऊं, यहां पर जरा समझना, यहां मैं लिखूंगा स्केल, ठीक, यहां पर लिख दिया मैंने सेल्सियस, सेल्सियस, ठीक, फिर मैंने यहां लिख दिया बच्चों केल्विन, फिर मैंने यहां लिख दिया फारेनहाइट, फारेनहाइट। अब ये बताओ कि इसमें मिनिमम रीडिंग कितनी होती है, मिनिमम रीडिंग यानी सबसे कम टेम्परेचर सेल्सियस में कितना आ जाता है, जो जनरली होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें मैक्सिमम कितना, इसमें कितना आता है मिनिमम, तो इसमें आता है 273 केल्विन। इसमें कितना आता है तो 32 फारेनहाइट। इसमें बताओ कि मैक्सिमम रीडिंग कितनी आएगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम रीडिंग इस वाले में तो 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना आएगा, 373 केल्विन। इसमें कितना आता है, 212 फारेनहाइट। ये बताओ कि डिविजन्स यानी स्केल के ऊपर जो डिविजन्स बनेंगी यानी कि गैप बना इन सब के बीच का, कितने का बना, 100 का। इसमें कितने का बना, 100 का। इसमें कितने का बना, 180 का। कितने का, 180 का। तो ये जो स्केल का जो फंडा हमने बनाया है, इस स्केल के फंडे के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, एक कन्वर्जन फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन फॉर्मूला। अब जो कन्वर्जन फॉर्मूला होता है वो क्या है, टीसी यानी टेम्परेचर ऑन सेल्सियस, जो इसका मिनिमम है वो जीरो और डिवीजन लगा दो 100। ये टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट माइनस का 32 अपॉन में कितना, 180, जो इसका डिवीजन है। फिर यहां पर टेम्परेचर ऑन केल्विन माइनस का मिनिमम जो 273 है, जो इसका डिवीजन है 100। तो ये क्या है, एक कन्वर्जन फॉर्मूला है, जिस कन्वर्जन फॉर्मूला से तुम किसी भी टेम्परेचर को किसी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर होगी बात ये चीज? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर, और टेम्परेचर कन्वर्जन का ये फॉर्मूला है, किसी चीज को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर हमने प्रोसेस को कन्वर्ट सीखा, हीट को सीखा, टेम्परेचर को सीखा, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया विद वेरियस डेफिनेशंस।
ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर मैं आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको इन टेम्परेचर से रिलेटेड, बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड जो बाकी के टर्म्स है उसको करवाऊंगा, और इनसे रिलेटेड जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।